हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लैम्डा फंक्शन का चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि लैम्डा फंक्शन ऐसे बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। तो सी प्लस प्लस 11 में लैम्डा फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका काम क्या है कि आपको अलग से, जैसे सबसे बेसिक काम क्या है कि फंक्शन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। छोटा सा मान लीजिए फंक्शन है, मान लीजिए एक फंक्शन लिखना है जो कि हर नंबर को, जो नंबर देते हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करता है या उसका स्क्वायर रूट निकाल के देता है। ये छोटा छोटा चीज जो करना है, मान लीजिए उसके लिए अलग से फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोकली ही एक लैम्डा फंक्शन बना लीजिए और उसमें भी डिफाइन कर दीजिए कि क्या करना है उस फंक्शन को। ओके, तो ये सबसे ही ज़्यादा यूज इसी तरह से होता है, ठीक है, छोटा फंक्शन के लिए। लेकिन लैम्डा फंक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में होता है, वो काफ़ी डीप है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा अभी यहाँ पे। तो लैम्डा फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, सी प्लस प्लस में फंक्शन ऑब्जेक्ट है ये। इट इज़ अ फंक्शन ऑब्जेक्ट। फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे अगर आप सी प्लस प्लस 11 के पहले लिखना लिखना मान लीजिए डबल नम, मान लीजिए आपको कोई एक नंबर है, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि जो भी फंक्शन, जो भी वेरिएबल दीजिएगा उसका डबल कर देगा, ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा उसमें, एक डिफाइन करना होता है ऑपरेटर पैरेंथिसिस। ओके, ऐसे करना होता था, ऑपरेटर पैरेंथेसिस और फिर उसे पास करिए इंट नम और फिर यहाँ पे रिटर्न नम स्टार्ट, इस टाइप से करना होगा। तो ये क्या करेगा कि एक एक दिखा रहे कि लैम्डा फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट बन गया एक, ठीक है। फंक्शन ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कि ऑपरेटर पैरेंट पैरेंट डिफाइन हो। ओके, तो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट है, इसको आप फंक्शन के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको फंक्शन के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेटर पैरेंट पैरेंट डिफाइंड है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डबल नम टू ऐसे लिखिएगा तो इंट डी इक्वल टू ऐसा आ गया। ओके, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन ऑब्जेक्ट नहीं जानते हैं तो ऐसे करना, इसलिए ये लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अभी होगा ऐसा। अब देखिए इसको रन करके दिखा देते हैं, देखिए 4 आ गया यहाँ पे, ये देखिए 4 प्रिंट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको फंक्शन ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो डी एन, यहाँ देखिए लग रहा है जैसे कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डी एन टू जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो लैम्डा फंक्शन क्या है, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, इस तरह से बहुत सारा यूज होता था, जैसे कि एसटीडी सॉर्ट में या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसमें बहुत जगह आपको फंक्शन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है कि आपको करना क्या है, ठीक है, उसके लिए यूज होता था। उसके लिए हम क्या करें सी प्लस प्लस 11 में, ये डिफाइन कर दिए फंक्शन ऑब्जेक्ट को अलग से, लैम्डा फंक्शन को, और उसी को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हमको यही काम करना है, मान लीजिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ऑटो एफ इक्वल टू, ये देखिए लैम्डा फंक्शन का ये सिंटैक्स है, रिटर्न नम इनटू टू, नम मान लीजिए पास कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। ओके, और यहाँ पे ये फंक्शन है एफ है आपका। अब देखिए ये जहाँ पे पहले dn लिखा हुआ था एग्जैक्टली सेम सिंटैक्स है, और ये है फंक्शन ऑब्जेक्ट लैम्डा फंक्शन, ये है, ठीक है। इसका सिंटैक्स थोड़ा अजीब सा है, लेकिन क्योंकि एक ही लाइन में या दो लाइन में आप लिख सकते हैं, अलग से आपको अलग से फंक्शन डिफाइन नहीं करना पड़ा। अब देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्ट लिखना था, इतने सारे लाइन ऑफ कोड फालतू का, उसका जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अब इसको हम फिर से रन करके देखेंगे, हैंडल डाल दी, देखिए फिर से 4 आ गया, सेम काम किया। ओके, तो ये इसका यूज केस है। अभी आप बोलेंगे कि तुम फंक्शन ही लिख देते ऐसा क्या जा रहा था, मतलब ये एक नया सिंटेक्स याद करना पड़ेगा,
लेकिन लैम्डा फंक्शन का और भी बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ है, जिसको थोड़ा और एडवांस हो जाता है, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट, क्लास का स्टेट, वो सब भी रखता है वो, तो वो सब बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे थे। एक काफ़ी यूज़फुल केस देखते हैं। ओके, इसके लिए इंक्लूड एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, चलो डिलीट नहीं करते इसको, इधर सेव करके लगता हूँ मैं। क्या करेंगे, एक लिखेंगे एसटीडी फॉर ईच, पहले एक वेक्टर बना लेते हैं, एसटीडी वेक्टर इंट वी, और चार एलिमेंट डालते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेक्टर को पहले इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, अभी जैसे मान लीजिए इसको क्या करना है, हर एलिमेंट का हमें प्रिंट करना है स्क्वायर, फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, फॉर वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड, अब यहाँ पे पहले क्या करना पड़ता था, यहाँ पे एक फंक्शन ऑब्जेक्ट डालना पड़ता था या एक फंक्शन पास करना पड़ता था, अब उसके नया फंक्शन क्रिएट करिए, हम यहीं पे लोकली डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इंट एन एस टी डी सी आउट एन इन टू एन। ये देखिए क्या कर रहा है, हर एलिमेंट के लिए उसका स्क्वायर प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए अभी क्या हुआ, कुछ नया फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ा, इसको पहले रन करके देखते हैं। देखिए 1 4 9 16, ठीक है, सारे नंबर का स्क्वायर प्रिंट हो गया, एकदम छोटा सा सिंटैक्स रहा, और इससे क्या हुआ कि रीडेबिलिटी प्रोग्राम का बढ़ गया। अभी कहीं और जाके देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे सारा चीज है कि फंक्शन क्या कर रहा है, फॉर ईच है, और इसका लैम्डा फंक्शन भी यहीं पे है, तो इससे प्रोग्रामर का जो है प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाता है, इसलिए एक इसका यूज आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, ये हुआ लैम्डा फंक्शन का इंट्रोडक्शन, और जैसे ही लैम्डा फंक्शन लोग सीखते हैं तो बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं, और कभी कभी उसका अब्यूज करने लगते हैं, तो उसके लिए छोटा सा मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट क्या है, यूज ओनली व्हेन 2-3 लाइंस वेयर नीडेड, 2-3 लाइन का फंक्शन अगर लिखना था तो ही यूज कीजिए, ये नहीं कि पूरा लैम्डा फंक्शन में पूरा एक बड़ा फंक्शन लिख दिए, उससे क्या होगा कि पूरा और रीडेबिलिटी और खराब हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज ये है। दूसरा क्या है, यूज इट ऑफ्टन ऑन एसटीडी लाइब्रेरी एल्गोरिथम्स, सॉर्ट फाइंड डॉट डॉट डॉट, ये सब में यूज करना काफी आसान रहता है, क्योंकि अपना प्रेडिकेट डिफाइन करना रहता है, लाइक व्हेन डिफाइनिंग प्रेडिकेट्स, प्रेडिकेट्स मतलब कि सॉर्ट करना है तो लेस कौन सा होगा, ग्रेटर कौन सा होगा, फाइंड में किस क्राइटेरिया में फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे हर एलिमेंट को प्रिंट करना है, छोटा सा फंक्शन था, ये सब में यूज कीजिए, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ये इंट्रोडक्शन था, इस लैम्डा फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मतलब बड़ा है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में लैम्डा फंक्शन आज से नहीं 50 साल से यूज हो रहा है, तो C++ में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है ये सब चीज। इसको ट्राई कीजिए, जब आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपको इसका और भी नया नया यूज केस पता चलेगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स है बड़ा अजीब सा है, थोड़ा फनी भी है, तो सबसे छोटा लैम्डा फंक्शन आप क्या लिख सकते हैं ये सोचिए। ओके, इस सबसे छोटा क्या लिख पाएंगे, और आप जब जब आपको पता चलेगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे इतना छोटा लैम्डा फंक्शन हो सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो। ओके, तो ट्राई कीजिए, धन्यवाद।